सो अभी आप लोग जो बाइक देख रहे हैं ये है रॉकेटमैन 250 cc बाइक। ये बेसिकली मेक्सिको में मिलने वाली मोटरसाइकिल है और मैं आपको इसी बाइक का एक कैफे रेसर का लुक दिखा रहा हूँ जो कि आप लोग अभी देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट यहाँ पे बाइक बनी है। सो दोस्तों ये है एक मॉडिफाइड रॉकेटमैन 250 जिसको यहाँ पर मॉडिफाई किया गया एज अ कैफे रेसर के स्टाइल में, और ये बाइक को मॉडिफाई किया है ZDR कस्टम मोटर ने जो कि मेक्सिको में बेस्ड है। ये वाली मोटरसाइकिल इंडिया में नहीं बनी है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह के बाइक को मॉडिफाई कराना इंडिया में तो ये सब कुछ पॉसिबल है। रॉकेटमैन 250 cc एक 250 cc वाली मोटरसाइकिल है जो कि मैक्सिमम मिलता है, और अगर आप लोग इंडिया में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप 150 cc हो या 125 cc या कोई भी cc का अगर आपके पास बाइक है, अगर आप लोग चाहते हैं सेम टू सेम एज इट इज़ लुक तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। सो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी बाइक के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। सो अब शुरुआत करते हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये एक प्योर कैफे रेसर है, प्योर कैफे रेसर। आप लोग इसका लाइन एंड लेवल देखिए, काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट यहाँ पे फिनिशिंग की गई है इस मोटरसाइकिल पे, और ये सेम टू सेम मोटरसाइकिल अगर आप पल्सर या होंडा शाइन में कराएंगे तो आपको भी सेम टू सेम यही लुक देखने में मिलेगा। सो जैसे कि ये एक कैफे रेसर है तो आप लोग देख सकते हैं जो पीछे की जो फ्रेमिंग है उसको चॉप करके बिल्कुल स्ट्रेट किया गया, और यहाँ पर एक सिंगल सीटर रखा गया है। ये सबसे मेन बात आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो सीट है वो बिल्कुल सिंगल सीटर है। अगर सिंगल सीटर में ही आपको जो कैफे रेसर का लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे आता है। उसके अलावा जो यहाँ पे आप लोग फ्यूल टैंक देख रहे हैं, ये फ्यूल टैंक लिया गया है बजाज बॉक्सर से, तो आप लोग बजाज बॉक्सर का फ्यूल टैंक इस्तेमाल करके आप लोग देख सकते हैं जो लाइन एंड लेवल आया है वो कितना ज़्यादा यहाँ पर अल्टीमेट आया है। रही बात इंजन की, यहाँ पर इंजन आपका 250 cc वाला इंजन है, इंजन में कुछ भी बदलाव नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर आप लोग प्लेसमेंट देखिए इसके हेडलाइट का, यहाँ पर 7 इंच का हेडलाइट लगाया गया, और आप लोग सीट देख सकते हैं ये बिल्कुल ही सिंगल सीटर है, और इसका जो लुक आ रहा है वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट यहाँ पर लुक देखने में लग रहा है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें जो इसका कस्टमाइज सीट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया है, क्योंकि इसमें उसकी आप लोग फिनिशिंग देखिए सीट की किस तरह से, एक पीछे छोटा सा काउल भी देखने मिल रहा है। सो अगर आप लोग अपनी सीट डिज़ाइन करते हैं तो आप लोग कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सिंगल सीटर ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपको डेढ़ के हिसाब से आपको सीट अच्छे से मतलब बैठ पाएंगे, दो लोग तो कंफर्टेबली शायद इसमें नहीं बैठ पाएंगे, तो ये आपको एक बात ध्यान देने वाली है। तो जितने भी आप अगर आप लोग कैफे रेसर बनाते हैं उसको सिंगल सीट रखेंगे तो आपको जो लुक आएगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लुक देखने मिलेगा। यहाँ पे आफ्टर मार्केट एसेसरीज भी काफ़ी सारे लगे हैं, जैसे इसका स्पीडोमीटर कंसोल देखिए, इसका जो साइड मिरर है और जो इसका साइड में हैंडल बार का जो LED लाइट्स है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये सारे जो प्रोडक्ट्स मैं आपको इस मोटरसाइकिल में दिखा रहा हूँ इन सबके जो लिंक्स होगा वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो डिस्क्रिप्शन से जाके आप लोग इसके जो पार्ट्स वगैरह वो भी आप लोग यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके टायर्स के बारे में, सो यहाँ पर जो फ्रंट वाला टायर है वो यहाँ पर 130x18x का साइज़ का टायर है, और जो रियर टायर वो 150 सेगमेंट का टायर है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से टायर का जो लुक आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। अगर कैफे रेसर में आप लोग मोटे मोटे टायर्स लगाते हैं जो जैसे कि इस मोटरसाइकिल में लगाया है, तो आपका जो कैफे रेसर का लुक है ना सीरियसली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा आपका यहाँ पे लुक। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग पेंट देखिए, पेंट क्वालिटी देखिए, यहाँ पे फिनिशिंग देखिए, जो ब्लैक कलर का टोन यहाँ पे दिया गया और जो ब्लू कलर का फ्यूल टैंक का डिज़ाइन दिया गया है वो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल देखने में लग रहा है। सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है बाइक। उसके अलावा यहाँ पे जो इसका जो फ्रंट फेंडर है वो भी आप लोग देख सकते हैं, उसकी जो फिनिशिंग है वो कितनी ज़्यादा अल्टीमेट यहाँ पर की गई। जो फ्रंट का जो फेंडर बनाए काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट बनाए, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ अगर आपके मोटे टायर हैं तो आपको फेंडर थोड़ा छोटा रखना चाहिए, जिसके कारण जो ओवरऑल आपका जो टायर का जो लुक आता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे देखने में लगता है। उसके अलावा आप लोग एक साइड प्रोफाइल से लुक देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लो है ये गाड़ी, काफ़ी ज़्यादा छोटी है, मतलब इसका जो हाइट काफ़ी ज़्यादा दबी हुई है, और पीछे से आप लोग देख सकते हैं जो हैवी ड्यूटी टायर यहाँ पर लगाए उसका जो लुक आ रहा है वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट आ रहा है। साथ ही साथ अगर आप इसके एग्जॉस्ट में ध्यान देंगे तो यहाँ पर कस्टमाइज एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया है, यहाँ जो इसका साइड पैनल वो भी यहाँ पे कस्टम मेड बनाया गया है। उसके अलावा एक चीज़ ध्यान देने वाली, यहाँ पे इंजन के आप लोग बोल्ट्स ध्यान से देखिए, यहाँ पे इंजन पूरी तरह से ब्लैकआउट नहीं किया गया है, इसमें जो इंजन के जो बोल्ट्स हैं उसको सिल्वर ही रखा गया है, मतलब जो क्रोम फिनिशिंग आते हैं वही रखा गया है। अगर आप लोग पूरी तरह से ब्लैक कर देंगे ना तो मज़ा नहीं आता है, तो आप लोग ये भी ध्यान दीजिए कि आप लोग जो बोल्ट्स वगैरह लगाएंगे अपने इंजन के ऊपर या पार्ट्स के ऊपर उसको प्लीज़ क्रोम फिनिशिंग रहने दीजिए, जिसके कारण आप लोग लुक देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर लुक आता है। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग क्लिप ऑन हैंडल बार देख सकते हैं कितना ज़्यादा लो है, और ये जो मोटरसाइकिल होती है ये डेली पर्पज़ के लिए नहीं होती है, ये आप लोग बस शो ऑफ करने के लिए रख सकते हैं, एक अपना शौक़ पूरा करने के लिए रख सकते हैं। अगर आप लोग डेली इस तरह की बाइक चलाएंगे तो डेफिनेटली आपके कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने वाला है। उसके अलावा पीछे का सस्पेंशन सेटअप देखिए, उसको भी कस्टमाइज़ किया गया है क्योंकि सब कुछ यहाँ पर अब दब गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो पीछे का टेल लैम्प है वो एक ऑल LED टेल लैम्प का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इस मोटरसाइकिल में अभी भी किक सिस्टम दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं किक सिस्टम में नहीं बने,
बनेगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगर आपके बाइक में किक है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे किस तरह का लेवल का मॉडिफिकेशन किया गया है, बहुत अल्टीमेट वर्क इस मोटरसाइकिल में किया गया है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मॉडिफिकेशन जो कि रॉकेटमैन 250cc बाइक में किया है, और ZDR कस्टम को हैट्स ऑफ है कि इतना। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वाला मॉडिफिकेशन, है ना, काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट, काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन वर्क किया है। अगर मैं इस बाइक को रेटिंग करूँ 10 में से 10 की, तो यहाँ पे मैं 10 आउट ऑफ 10 इस बाइक को रेट करता, क्योंकि मुझे इसमें कोई भी कमी नहीं लगी। और आपका क्या फीडबैक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। अगर दोस्तों आपको इस तरह के और भी मॉडिफिकेशन देखने, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल में आप सभी को एक से एक बाइक कस्टमाइजेशन की वीडियो दिखाता हूँ। और प्लीज़ हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि मैं आप सभी को इससे भी और अच्छे अच्छे बाइक्स के मॉडिफिकेशन के वीडियोस दिखाते रहूं। और अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह पूछना है और जो इसका मॉडिफिकेशन प्राइस पूछना है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी मोटोमल, वहां पे आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए और मैं आपका डेफिनेटली आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा।